काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे सोयाबीन को पानी में भिगो के रख दो। पानी में भिगो के रखने के साथ साथ उसमें बेकिंग सोडा भी डाल दो। इसके साथ साथ आप अगर पानी में भिगोने के बाद उसको उबाल दोगे तो और भी एंटी न्यूट्रिएंट्स के लेवल कम हो जाएंगे। फर्मेंट कर लो सोया को, जिससे सॉस बनता है, सोया सॉस, तो वो टेक्निक से भी एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। उबाल के सुखा के उसको प्रोटीन पाउडर में कन्वर्ट कर लो, या फिर सोया मिल्क बना लो, मिल्क बना के उसको उबाल लो, या फिर बना लो उस मिल्क से टोफू। इन सब चीज़ों से करने से अलग-अलग मात्रा में ये जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं, जैसे अभी आप ग्राफ में देख भी पा रहे होगे। तो इस ग्राफ को देख के आप ये कंक्लूड कर सकते हो इजीली कि सोया मिल्क, सोया प्रोटीन और टोफू, क्योंकि वो सोया मिल्क से ही बनता है, ये तीनों चीज़ बाकी चीज़ों से बढ़िया हैं। इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स के लेवल बहुत ही निग्लिजिबल होते हैं, तो आप ये ले सकते हो।